My dear viewer and my dear students, you are all welcome on the live platform of Target with Aloop. As you are well aware that UPPSC is going to declare the notification of PLT. I am Dr. Biswa before you. So before we discuss something, it is mandatory for us to know about the nature of UPPSC ELT competition. ELT, जिसको licentiate teacher कहते हैं, मैं particularly English paper की चर्चा करूंगा. The paper comprises 150 question and out of 150 question, 30 questions are related to GS and rest 120 questions are asked from the English subject that comprises language, literature and different writers and their works. As for the question of English test is concerned, that is quite different from those question paper which are prepared by Chayan Board of Uttar Pradesh. In ELT, the conceptual questions are asked, not a traditional question. So it is imperative for all of us to conduct a deep study as well as to form concept related to the topic. उस टॉपिक के संबंध में एक कंसेप्ट हमको डेवलप करना होगा. किसी राइटर को अगर हम उठाते हैं तो उसके संबंध में थोड़ी सी डेप्थ होनी चाहिए. और वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं होता, पूछा जाता है कमीशन के द्वारा, बिकॉज कमीशन सेट्स आई स्टैंडर्ड. द कमीशन वॉन्ट्स टू जज द डेप्थ ऑफ कॉम्पिटेंस नॉलेज. कमीशन का पूरा ये जोर रहता है कि जो भी विद्यार्थी हैं उनका विषय से संबंधित डेप्थ में कितनी जानकारी है, इसको वो जज करना चाहता है. सो द नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द चयन बोर्ड. चयन बोर्ड जो क्वेश्चन पेपर चाहे टीजीटी का या पीजीटी का अगर फ्रेम करता है तो समटाइम्स मेनी ऑफ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन पेपर सेट बाय द चयन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश. दैट इज लार्जली ट्रेडिशनल वन. बट माई डियर फ्रेंड्स, द कमीशन आस्क कंसेप्चुअल क्वेश्चन. तो किसी भी राइटर के संबंध में थोड़ा सा कंसेप्ट विकसित करना जरूरी है. एंड आई एम ग्लेड टू स्टैंड बिफोर यू लाइव. माय डियर फ्रेंड्स, सम ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर टेकिंग क्लास विद मी, दे आर रिपीटेडली रिक्वेस्टेड मी टू पिक अप द टॉपिक ऑफ किड्स टुडे. तो आज थोड़ी सी जो है हम लोग किड्स की चर्चा करेंगे. बिफोर वी गो इलेबरेट ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस अबाउट द राइटर्स ऑफ रोमांटिक एरा. यू नो दैट रोमांटिक एरा कंप्राइजेस टू जनरेशंस ऑफ राइटर. As for older generation, that comprises three writers, Wordsworth, Coleridge and Southey. And younger generation also comprises three writers, Shelley, Keats and Byron. अगर हम Keats को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा कंपेरेटिव जानकारी हमको वर्ड्सवर्थ के भी बारे में, उनके देयर पोएट्रिक क्रिएट के बारे में, शैली के बारे में या फिर
अगर हम रॉबर्ट स्कॉट अगर फिक्शनिस्ट की बात करें तो स्कॉट्स के बारे में भी थोड़ी सी, तो इतना कहा जा सकता है कि केट्स वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट द परफेक्ट मोस्ट परफेक्ट पोएट ऑफ रोमांटिक एरा। रोमांटिक एरा के अंतिम पीढ़ी का अंतिम कवि था, वो अंतिम ही नहीं बट ही इज कॉल्ड द मोस्ट परफेक्ट ऑफ रोमांटिक एरा पोएट्स। इफ वी टॉक अबाउट स्कॉट, ही वॉज मेयरली स्टोरी टेलर एंड इफ वी टॉक अबाउट वर्ड्सवर्थ देन हिज एम वॉज टू रिफॉर्म पोएट्री एंड अपहोल्डिंग मॉरल फिलॉसफी। He assumes himself as a preacher and reformer. His reforming approach comes on the surface when he attached preface to the second edition of Lyrical Ballad. अगर हम शेल्ली की बात करें तो he was advocating impossible reforms. He was dreamer. Shelley was also an anarchist. He was on tearing down the established convention of this society. And as far Byron is concerned, he was egoist and fully discontented about the political scenario of his time. अपने समय के राजनीतिक असंतोष को व्यक्त करता है अपनी रचनाओं में। एंड इन मोस्ट ऑफ हिज वर्क ही टॉक्ड अबाउट हिमसेल्फ। इन लोगों के बीच में इट वॉज ओनली कीट्स हु वर्शिप्ड ब्यूटी लाइक अ डिवोटी। इन लोगों के बीच में चुपचाप खामोशी से कीट्स ही ऐसा था जो किसी भक्त की तरह से सौंदर्य का उपासक था। He had a noble idea that poetry exists for its own sake. उसका एक नवीन ख्याल था और एक श्रेष्ठ विचार भी था कि poetry exists for its own self, कि कविता अपनी ही अस्तित्व के लिए जो है बची रहती है। It suffers a loss when it is devoted to politics or philosophy. अगर कविता समर्पित हो जाए दर्शन के प्रति या फिर राजनीति के प्रति, it is the death of grace of poetry itself. तो कविता का सौंदर्य, कविता का सौष्ठव, कविता का आकर्षण मर जाता है। And Keats was right in this respect that you know politics is related to mind, philosophy is related to mind, but poetry is the product of emotion which is related to heart. राजनीति की बात करें, अगर हम गणित की बात करें, दर्शन की बात करें, तो ये मस्तिष्क के पक्ष हैं, विचार के पक्ष हैं, और कविता तो हृदय से पैदा होती है, भावना का पक्ष है, संवेदना का पक्ष है। और संवेदना में कहीं पर भी राजनीति आती है तो संवेदना कविता का रूप धारण नहीं कर पाती है, बल्कि संवेदना अपने आप मर जाया करती है। तो ही वॉज कॉन्स्टेंट वर्शिपर ऑफ ब्यूटी एज वर्ड्सवर्थ वॉज वर्शिपर ऑफ नेचर। केट्स डिवोटेड हिमसेल्फ एब्सोल्यूटली फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी। तो ही लेमिया में वो इस बात को कहता भी है कि डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट मेयर टच ऑफ कोल्ड फिलॉसफी, कि कविता का सारा आकर्षण तो जो है दूर हो जाता है जब कभी भी कविता में तर्क, दर्शन या फिर गणित आ जाता है, तो कविता अपने आप अपनी बेमौत मर जाया करती है। और हैरत की बात यह है कि मित्रों,
द लाइफ स्पैन ऑफ दिस लास्ट पोएट ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक एरा वॉज वेरी शॉर्ट. इसका जीवन मुश्किल से जो है 25 वर्ष 4 महीने ही रहा. लेकिन एक चमत्कार है कि विद इन 3 or 4 years ऑफ हिज क्रिएटिव पीरियड वॉट एवर ही प्रोड्यूस्ड वॉट एवर ही कंट्रीब्यूटेड टू द इंग्लिश लिटरेचर दैट कैन नेवर बी इरेस्ड. जो कुछ भी केट्स का योगदान अंग्रेजी साहित्य के प्रति रहा इन 3 वर्षों में, जो कि 1817 से लेकर के केवल 1820 वर्षों में जो केट्स के जीवन का क्रिएटिव पीरियड है, इस दौर में केट्स ने अंग्रेजी साहित्य को जितना एनरिच किया, संभवतः इतने थोड़े से वर्षों में शायद ही किसी अंग्रेजी राइटर ने, अंग्रेजी ड्रामेटिस्ट ने, या फिर किसी पोएट ने या फिक्शनिस्ट ने इतना ज्यादा संपन्न किया हो. आश्चर्य तो तब होता है कि टेनिसन कंट्रीब्यूटेड अलॉट, बट द मैच्योरिटी दैट इज बीइंग डिस्प्लेड बाई टेनिसन एट द एज ऑफ 50, Keats displayed that maturity even when he was 24 years. मात्र 24 वर्ष में केट्स ने जिस परिपक्वता का अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में परिचय दिया, उस परिपक्वता को पाने में टेनिसन को 50 वर्ष लग गए. हैरत की बात यह है कि मित्रों, कल्पनातीत है ये बात कि अगर केट्स उतनी उम्र जिया होता जितना कि टेनिसन या फिर शेक्सपियर, तो क्या होता? ही माइट हैव प्रोड्यूस्ड बल्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बट एनीवे, लाइक शेक्सपियर ही वॉज सेल्फ स्कैंड, लाइक शेक्सपियर ही वॉज सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ एजुकेटेड. ही वॉज द प्रोडक्ट ऑफ लाइफ इटसेल्फ. और यह भी ध्यान रखना कि जीनियस आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी आर कॉलेज. एनी जीनियस, एनी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हुसोएवर कंट्रीब्यूटेड एंड हुसोएवर endeavor to beautify this world and this life, they were not the product of any university or college. इतिहास गवाह है कि जिस किसी ने भी इस जीवन और जगत को थोड़ा सा संवारने में, खूबसूरत बनाने में कोई भी अगर contribution दिया हो, be it the field of science, be it the field of art or literature, whosoever contributed something prolific and innovative, they were not the product of any university, they were the product of life itself. गणित का क्षेत्र ले लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र लीजिए, कला और साहित्य का क्षेत्र लीजिए, जिस किसी ने भी कोई मौलिक योगदान दिया हो, रेयरली दे वर द प्रोडक्ट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी आर कॉलेज. ओके, शेक्सपियर एंड केट्स वर द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्ल्ड. जिंदगी के विश्वविद्यालय में ये लोग पले बढ़े और परवान चढ़े, और यही कारण है कि इनकी रचनाओं में जो मौलिकता मिलती है, that is impossible to find anywhere. और अगर थोड़े से Keats did not contribute much to enrich English literature, and this fact can also be established that if
other works of Shakespeare are excluded, only his odes remain. They will be sufficient to give Keats permanent place in English literature. And English scholars are unanimous on this matter. कि केट्स की अन्य रचनाओं को अगर निकाल भी दिया जाए और उसके केवल ओट से ही बचे रह जाएं, तो केट्स के ओट ही उसको अमर मुकाम अंग्रेजी साहित्य में देने के लिए पर्याप्त हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वी विल पिक अप ईच एंड एवरी वर्क ऑफ केट्स एंड विल डिस्कस एलिबरेटली, बट सम ऑफ द फैक्ट I display before you. If you so like, you can note them down. Okay, dear. John Keats. He was born on 31st October 1795. A stable of Swan and Hope Inn, which is situated in Moorgate area, London. As for his death, he died on 23rd February 1821, Rome. Okay? 1821, Rome, and he was buried in Protestant Cemetery, Rome. There is epitaph written on his tombstone, "Here lies one whose name was writ in water." कि here lies one, एक ऐसा कवि यहां पर लेटा है, whose name was writ in water, जिसका नाम पानी में लिखा हुआ था। और यह भी ध्यान रखना कि बहुत आसान है जीवन की रवानी लिखना, लेकिन बहुत दुश्वार है आग को पानी लिखना। बहुत मुश्किल है केट्स के जीवन की कहानी लिखना जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। द मोर यू स्पीक ऑन केट्स, द मोर यू विल बी फोर्स्ड to salute him and his original talent, उसके मौलिक प्रतिभा को सलाम करने की जो है, किसी ओट्स को पढ़ लो, the sensuousness which you can find while reading his ओट्स is impossible to find anywhere or in any writer, in any poet of English literature. That is why Arnold called him, he was utterly sensuous poet, and except barring his odes, if we read other works of Keats, then we can conclude that he was Greek, as Shelley said of him. Shelley ne usko kaha ki Keats was essentially Greek. The impression of Greek myth and Greek literature had lasting impression when Karl Skouden handed over a copy of translation of Shapman of Homer. Homer के translation, जिसको कि Shapman ने translate किया था, जब एक copy दिया, and when he got copy of Spencer's Fairy Queen, then his imagination, his poetic talent, which was hitherto dormant, suddenly afired. पहली बार जब केट्स को शैपमैन का होमर का ट्रांसलेशन मिला और जब स्पेंसर के फेरी क्वीन की कॉपी उसे मिली, देन द लेयर्स ऑफ ब्यूटीज, ग्रीक ब्यूटीज वर रिवील्ड बिफोर हिम, एंड व्हाट एवर ही रोट एक्सेप्ट हिज ओट्स वर इन्फेस्टेड विद आर रिलेटेड
विद ग्रीक मिथ। इसी कारण से केट्स ने जो ज्यादातर लिखा वह ग्रीक मिथ के ऊपर लिखा। इसीलिए विद्वान खास तौर से शेली कहता है कि केट्स वाज अ ग्रीक। नाउ डियर, थोड़ा सा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी जो है हम लोग ले लेते हैं। एज फॉर हिज क्रिएटिव वर्क इज कंसर्न, द ईयर 1890 इज कॉल्ड एनस मिराबिलिस। एनस मिराबिलिस दैट इज द स्पेसिफिक ईयर, महत्वपूर्ण वर्ष या विशिष्ट साल। 1819 को केट्स के रचनात्मक जीवन का एनस मिराबिलिस कहा गया है। देखो एनस मिराबिलिस, ड्राइडन ने एक पोयम भी लिखी है, लेकिन एनस मिराबिलिस का मतलब होता है अ स्पेसिफिक ईयर विच इज मॉन्यूमेंटल वन विच इज रेड लेटर ईयर डे बिकॉज हिज इमॉर्टल ओड्स एंड मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पोएम्स वर रिटन इन 1819 में उसके इमॉर्टल ओड्स, अमर ओड्स का रचना वर्ष है। और इसी के साथ जो उसकी प्रसिद्ध कुशन्य कविताएं हैं वो भी 1819 में लिखी गई हैं। इसीलिए 1819 को क्या कहा गया है, एनस मिराबिलिस। ओके डियर, थोड़ा सा अब इसके हम अन्य थोड़े से वर्क की चर्चा कर लें, इसके बाद इलेबरेटली जब हम लोग बैच में जुड़ेंगे तो फिर विस्तार से सारे वर्क्स की चर्चा होगी, उसके इंपॉर्टेंट कोट्स की चर्चा होगी। और थोड़ा सा इसको भी जो है देख लिया जाए, केट्स हैड नॉवेल आइडिया दैट पोएट्री एग्जिस्ट फॉर इट्स ओन सेक, इट सफर्स लॉस बाय बीइंग डिवोटेड टू फिलॉसफी और पॉलिटिक्स। जैसा कि लेमिया में उसने खुद कहा, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र कर दिया, कि डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट मेयर टच ऑफ कोल्ड फिलॉसफी। लेमिया की यह लाइन है। ऑल राइट डियर, अब थोड़ा सा हम लोग और जो है अगले वर्क की जो है चर्चा कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो उसके जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं, एंडीमिया। एंडीमिया, यार एंडीमिया की अगर बात की जाए तो एंडीमिया इज अ ग्रीक मिथ एंड इट वाज कंपोज्ड इन 1818। इसकी जो रचना की गई थी 1818 में, 1818 में, एंड इट रन्स इनटू फोर पार्ट्स, ईच पार्ट कंटेन्स 1000 लाइन। हर पार्ट में जो है 1000 पंक्तियां हैं और रिटन इन हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट का प्रयोग किया है और यह भी ध्यान रखना कि इट वॉज डेडिकेटेड टू केट्स ने इसको डेडिकेट किया था, डेडिकेटेड टू थॉमस चैटर्टन। थॉमस चैटर्टन, केट्स ने एंडीमिया को किसे डेडिकेट किया था, थॉमस चैटर्टन को। एंडीमिया के अगर प्रकाशन की बात की जाए तो 1818 में इसका प्रकाशन हुआ था।
एंडिमिया में कुल जो है 4 पार्ट हैं और हर पार्ट में 1,000 लाइनें हैं, तो ये कहा जा सकता है कि एंडिमिया में कुल 4,000 लाइंस हैं। एंड इट इज बेस्ड ऑन ग्रीक मिथ्स, बेस्ड ऑन ग्रीक मिथ्स। एंडिमिया वॉज सेफर्ड कहानी ये कही जाती है कि एंडिमिया एक सेफर्ड था। जीएस इसके बारे में जो है डियर कई कहानियां हैं, लेकिन किट्स ने जो अपने एंडिमिया में लिखा है उसमें ये कि एंडिमिया नाम का एक जो है नौजवक था और सुंदरता की देवी जिसको सेलीन कहते हैं सेफर्ड। जीएस कर्स्ड हिम फॉर एटर्नल स्लीप, फॉर एटर्नल स्लीप बिकॉज because Endymia once tried to seduce Zeus' wife। एक तो कहानी यही कही जाती है कि एंडिमिया को जीएस ने श्राप दे दिया था कि वह हमेशा नींद में रहेगा। कारण श्राप का यह था कि एक बार एंडिमिया ने जीएस की पत्नी को सेड्यूस करने का यानी उसे सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश की थी, इस कारण से जीएस ने उसको श्राप दे दिया था। बट द गॉडेस ऑफ ब्यूटी, गॉडेस ऑफ मून, but the goddess of moon Selene, जिसको हम डायना भी कहते हैं, लेकिन चांद की देवी Selene नाम दिया है किट्स ने एंडिमिया में डायना को, was attracted to her, was attracted to him every night, हर रात, she visited the cave where Endymia was asleep। कहानी एंडिमिया की यह है कि सुंदरता की चांद की देवी Selene जिसको डायना भी कहते हैं, वो एंडिमिया से बेहद प्रभावित हुई और कहा यह जाता है कि हर रात वो एंडिमिया जहां पर सोया रहता था उस गुफा में आ जाती और उसके साथ जो है संबंध बनाती। और ये भी कहा जाता है कि उस संबंधों का परिणाम यह रहा कि 50 डॉटर्स उन दोनों के फिर कुल कितनी बेटियां पैदा हुई, 50 बेटियां। यही कहानी है इसकी, राइट। तो एंडिमिया के बारे में आपको कितना फैक्ट याद रखना है, द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टू होम किट्स डेडिकेटेड इट, एंड व्हाट इज द थीम ऑफ एंडिमिया, इंपॉर्टेंट कोट्स की चर्चा बाद में हो सकती है। और किट्स के अगर हम दूसरे वर्ग की चर्चा करें तो थोड़ा ईव ऑफ सेंट एग्नीस, ईव ऑफ सेंट एग्नीस, ईव ऑफ सेंट एग्नीस,
ये भी जो है किड्स की रचना है एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1820 1820 में। और ये भी ध्यान रखिएगा, इट इज द मोस्ट परफेक्ट मोस्ट परफेक्ट ऑफ मेडिवल पोएट्री। अगर मध्यकालीन कविताओं की चर्चा की जाए तो उस कथानक के ऊपर लिखी गई जितनी भी जो हैं कविताएं हैं उनमें ईव ऑफ सेंट एग्नीस किट्स की जो है सर्वाधिक पूर्ण कविता है। एक्चुअली इट इज सेड अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथोलॉजी दैट सेंट एग्नीस वॉज द पैट्रन ऑफ मेडेंस। कहानी ये कही जाती है कि सेंट एग्नीस ये कुंवारी लड़कियों के संरक्षक थे। और ये भी मिथ है कि सेंट एग्नीस की रात यानी द फीस्ट ऑफ सेंट एग्नीस विच इज सेलिब्रेटेड आई थिंक ऑन एवरी ईयर 21 जनवरी सेलिब्रेटेड द फीस्ट ऑफ सेंट एग्नीस एवरी ईयर ऑन 21 जनवरी के हर साल 21 जनवरी को सेंट एग्नीस, हालांकि जो है 20 जनवरी को ईव कहते हैं शाम को। द ईव ऑफ सेंट एग्नीस फॉल्स ऑन 20th जनवरी बट द फीस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन नेक्स्ट डे दैट इज ऑन 21st जनवरी। और मान्यता यह है कि इफ एनी मेडन वॉन्ट्स टू सी द पिक्चर आर द पोर्ट्रेट ऑफ हर टू बी हस्बैंड इन फ्यूचर देन सी हैड टू ऑब्जर्व अ रिचुअल by lying on her bed in closed closet on bed with all naked and head upward। कहानी ये कही जाती है कि अगर किसी लड़की को अपने भविष्य में होने वाले पति की झलक देखनी होती हो तो कहानी ये थी कि बिस्तर पर अपने कक्ष में उस लड़की को नेकेड लेटना होता था और अपना सर आसमान की तरफ, और नींद के दौरान जो ख्वाब आते थे उस ख्वाब में उस ड्रीम में उसके होने वाले पति की उसको जानकारी हो जाती थी। लेकिन इसमें वास्तव में इट इज रिटन, थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं, कहानी यही है, ईव ऑफ सेंट एग्नीस इज रिटन इन इसमें कुल 42 स्टेंजा हैं रिटेन इन 42 स्टेंजास। ईव ऑफ सेंट एग्नीस की पूरी कहानी 42 स्टेंजा में किट्स ने लिखा है और यूज्ड स्पेंसेरियन स्टेंजा के बारे में, इसके राइम स्कीम के बारे में आपको मालूम ही होगा, ए बी ए बी ए बी बी सी बी सी और लास्ट लाइन जो नमी होती है एलेक्जेंड्रीन में सी। तो आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि इसमें कितनी लाइनें हैं, तो 42 × 9 कर दीजिएगा पंक्तियां आ जाएंगी। वैसे ये कोई जरूरी नहीं है, इतना सफिश है कि इन हाउ मेनी स्टेंजा द ईव ऑफ सेंट एग्नीस रन, द आंसर इज 42 स्टेंजा। एंड विच राइम स्कीम किट्स हैड एम्प्लॉयड इन दिस पोयम, स्पेंसेरियन लाइन स्पेंसेरियन स्टेंजा, द राइम स्कीम इज ए बी ए बी बी सी बी सी एंड सी। कहानी यह है कि इसमें
मुख्य तरह से तीन कैरेक्टर हैं ईव ऑफ सेंट एग्नेस में डियर, और कहानी दो प्रेमियों की है, एक तो मेडेलिन है, मेडेलिन इज बैडली इन लव विथ पोर्फिरो, पोर्फिरो नाम का एक नौजवान है, उससे जो है मेडेलिन प्रेम में है, दे आर लवर्स, ये प्रेमी है, बट दे आर फैमिली लेकिन उनके परिवार, बट दे आर फैमिलीज आर एट बीटर एनिमिटीज, लेकिन जानी दुश्मनी है दोनों परिवारों में, मेडेलिन के परिवार और पोर्फिरो के परिवार में एक भयानक दुश्मनी है। और एक दिन ईव ऑफ सेंट एग्नेस व्हेन मेडेलिन वाज परफॉर्मिंग द रिचुअल्स एज वाज टोल्ड अकॉर्डिंग टू द मिथ ऑफ सेंट एग्नेस, तो पोर्फिरो क्या करता है, परसूज एंजेला, मेड टू मेडेलिन, सॉरी डियर, मेड टू मेडेलिन एंड एंटर्स द चैम्बर ऑफ मेडेलिन, he confines himself in a closet at midnight Medelin wakes up to her surprise, she looks Porfiro in concrete form. And both lovers run away. To live together forever. But Angela was punished. Angela was punished to death. कहानी ये है कि ईव ऑफ सेंट, जैसा कि मिथ है कि ईव ऑफ सेंट एग्नेस को अगर कोई लड़की अपने भविष्य में होने वाले पति की झलक पाना चाहती है तो उसको कुछ खास रिचुअल्स थे जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया, वो परफॉर्म करना होता है,
और पोर्फिरो को इस बात का पता चलता है कि मैडलिन इज आल्सो गोइंग टू ऑब्जर्व दिस रिचुअल. ही इंस्टेंटली अप्रोचेस एंजेला हु वाज मेड टू पोर्फिरो एंड मैडलिन. मैडलिन की एक नौकरानी है जिसका नाम है एंजेला. एंजेला को विश्वास में लेता है और चुपके से मैडलिन के शयन कक्ष में जाकर के एक क्लोसेट में अपने आप को बंद कर लेता है, बड़ी सी अलमारी में. और आधी रात के वक्त वह क्लोसेट से बाहर निकलता है. मैडलिन को घोर आश्चर्य होता है कि ये तो जो सपने की बात है वो तो वास्तव में घटित हो गई. और फिर दोनों मैडलिन और पोर्फिरो दोनों भाग खड़े होते हैं. लेकिन इस रात का पता चल जाता है मैडलिन के परिवार वालों को कि एंजेला ने उनको भागने में मदद की थी, इस कारण से उसको सजाए मौत देते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, ओनली दिस मच टुडे एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल फिनिश अबाउट किड्स ओड एंड इम्पॉर्टेंट लाइन्स एज पर ELT सिलेबस रिलेटेड टू किड्स इज कंसर्न. टू पोएम्स आर प्रेस्क्राइब्ड बाई द UPPSC एंड दैट इज लाबेलदीम सेंस मर्शी एंड ओड टू ग्रेस, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न. इन दोनों की चर्चा जो है हम लोग विस्तार से करेंगे इन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.